फरीदाबाद में मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में जमकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बड़ा कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ लाठी डंडों के साथ जमकर मारपीट की। इस मामले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फरीदाबाद में एक परिवार को घर में लगे नींबू तोड़ने से मना करना बेहद महंगा पड़ गया। जिस परिवार को मना किया उसके परिवार के सदस्यों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया और उनकी गाड़ी तक तोड़ दी। घर में लगे सारे शीशे भी तोड़ दिए गए, साथ ही साथ परिवार के 5 सदस्य के सिर पर भी चोट मारी गई। वहीं पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि वारदात थाने से बहस 20 मीटर की दूरी पर हुई, लेकिन पुलिस फिर भी देरी से पहुंची और उन्होंने वैसे नींबू तोड़ने की कोशिश की तो हमने उनको रोका, तो उन्होंने हमारे सिस्टर पे हमला किया। उसके बाद 10-12 औरतें वो बुला के लाएं और उन्होंने आनंद फानंद में सारे घर के शीशे तोड़ डाले और जैसे हम बाहर निकले फिर उन्होंने डंडों पे हमला शुरू कर दिया। इस मामले में जब पुलिस से बात की गई तो पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों को चोट लगी है, हालांकि मामला नींबू तोड़ने को लेकर ही शुरू हुआ था। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों पर कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है। तो वहाँ मौके पे पहुँचे तो दोनों पार्टी वहाँ पे हाजिर नहीं मिली, अपना अपना मेडिकल कराने के लिए गई हुई थी और दोनों पार्टियों से हमने दरखास्त ले लिए। मामला ये है कि कोई नींबू तोड़ने के ऊपर झगड़ा हुआ है। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है।